अरे भाई सिंगम वालो, भूल भुलैया वालो, जाओ जाओ देखो, सीखो भाई, सीखो इनसे। वेल, जॉक्स अपार्ट, मैं बात करने वाला हूँ आज आमरण मूवी के बारे में, जो एक्चुअल मायने में मैं मानता हूँ दोस्त, द ब्यूटी ऑफ सिनेमा, द स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर एंड द ब्यूटी ऑफ द एक्टर। मतलब कि किस टैलेंट से और किस भावना से मूवी को बनाया गया है। मूवी एक्चुअल में जो कहना चाहती है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतने इजी वर्डिंग्स में इतनी इजीली ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मूवी कब आपको सारी चीज़ें समझा जाती है, कब इमोशनल भी कर जाती है। सो वेल, आप देख रहे हैं सूरज के रिव्यू, मैं हूँ सूरज शर्मा, आज बात करने वाला हूँ आमरण मूवी की। अगर आप अपने देश को प्यार करते हो, अपने वतन को प्यार करते हो, अगर आप भारत देश के लिए बलिदान की भावना भी रखते हो, तो आपको दोस्त ये मूवी 100% से देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर इवन आपको अपने परिवार के साथ ये मूवी देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी से जो सीखने को मिलता है वो आई थिंक ये जो आजकल के मूवीज आते हैं ना भूत भुलैया सिंगम उनमें आपको कुछ नहीं मिलेगा भाई। देखना है तो ये मूवी देखो, और बहुत ही ये दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश में भूल भुलैया सिंगम को इतना बढ़ चढ़ के प्रमोशन मिला, इतनी पब्लिसिटी मिली, इतनी सारी स्क्रीन्स मिली थिएटर्स में कि लोग पागल हुए उनको देखने के लिए। लेकिन उसी के सामने एक मूवी ऐसा भी था 31 अक्टूबर को जो रिलीज हो गया था आमरण, उसको ना तो ज़्यादा स्क्रीन्स दे रहे थे, ना तो उसका ज़्यादा पब्लिसिटी किया गया, और ना ही उस मूवी को लेके लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाने की कोशिश की गई कि इस मूवी को देखना चाहिए। लेकिन वेल, ये जो भी काम किया है उन लोगों के मुंह पे एक थप्पड़, क्योंकि इस मूवी का आप जब रेटिंग देखोगे तो आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बुक माय शो पे चले जाइए, देखिए इस मूवी का रेटिंग, इस मूवी का रेटिंग आपको मिल जाएगा 9.4 9.5, वहीं पर ही सिंगम और ये भूल भुलैया के बड़ा बड़ा के भी इन्होंने कर लिए होंगे ना, तो भी इनके साथ के आगे नहीं बढ़ रहे होंगे रेटिंग, आप देख लेना जाके, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। चलिए छोड़िए बुक माय शो के रेटिंग को, आप तो IMDB का रेटिंग देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे ही कुछ ऑडियंस, हमारे ही बीच के कुछ लोग सोचेंगे कि भाई सूरज भाई क्या बोल रहे हैं और भरोसा करें ना करें, तो जाइए भाई आप लोग जाके IMDB का रेटिंग देखिए भाई, उस पर तो भरोसा करोगे ना। 8.6 रेटिंग दिया गया है, 8.6, और मैं अभी इनिशियल बता रहा हूँ, आगे ये रेटिंग भी बढ़ेगा। इसी के साथ आप देखोगे सिंगम अगेन 6.9, भूल भुलैया 3 रेटिंग है। तो मतलब कि देखने वाली बात यह है कि हमारे देश में आज जो चीज़ें क्वालिटी हैं, जो चीज़ें सच में अच्छी हैं, जो चीज़ें बहुत ही देखकर आपको सीखने को मिले, समझने को मिले, जिससे आप लिंक कर पाएँ, उनको तो भाई कोई प्रमोट नहीं करता, उनको तो ना कोई देखने जाता है। लेकिन देखने बस वही भाई हम कचरा देखने जाते हैं, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही शर्मजनक है। वैल चलिए इन बातों को छोड़ के आता हूँ दूसरी बात पे, क्योंकि पता है कि मैं कितना भी यहाँ ज्ञान दे दूँगा आप लोग अपने मन की ही करने वाले हो, लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्त, ये जो रिव्यू है इस मूवी का रिव्यू मैं दिल से बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको पूरा देख लेना, मूवी आपको देखना नहीं देखना मेरा रिव्यू देखने के बाद आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। बात करता हूँ आमरण मूवी की, भाई क्या काम किया है, मैं एक्टर की क्या प्रशंसा करूँ, क्या मैं डायरेक्टर की प्रशंसा करूँ, क्या मैं स्क्रीन प्ले की प्रशंसा करूँ, क्या मैं स्टोरी की प्रशंसा करूँ, क्योंकि प्रशंसा तो मुझे उस व्यक्ति की करनी चाहिए जिस व्यक्ति के बेस पे ये मूवी बनी है, जिसका नाम है मेजर मुकुंद वरदराजन, जिसके नाम से ही कश्मीर के जितने भी मिलिटेंट्स हैं, जितने भी कश्मीर के ये दंगाई हैं, उनकी फटके हाथ में आ जाती थी, उसके नाम से ही कांप जाते थे। उसने एक एक को घुस घुस के घर में घुस के मारा है, एक एक को भगा भगा के मारा है भाई, ऐसा एक अपना शेर, अपनी आर्मी का शेर था मेजर मुकुंद वरदराजन, जिसने मिलिटेंट्स की नाक में दम कर दिया, जिसने वो बता दिया कि भाई जिंदगी ना लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, चाहे आप 100 साल जी लें लेकिन एक काम ऐसा ना करें जिससे लोग आपको याद करें, चाहे आप मुकुंद वरदराजन की तरह 8 साल की सर्विस दें आर्मी में, लेकिन काम ऐसा कर दें कि आने वाले सदियों तक, जब तक ये धरती रहेगी तब तक भाई ऐसे हमारे आर्मी के शेर, ऐसे हमारे देश के सपूतों का नाम अमर रहेगा, इनको दुनिया याद करेगी, इनकी वीरता से प्रेरणा लेगी, और इनकी वीरता की सीख से सुन के ही हमारी आने वाली जनरेशन भी आर्मी में भर्ती होगी और देश की सेवा करेगी। सो दोस्तों, इसी की बात करने वाला हूँ मैं आज, मेजर मुकुंद वरदराजन के बेस पर ये मूवी बनी है, और क्या काम करके दिया है एक्टर ने, बिल्कुल
बिल्कुल जैसा कि कैरेक्टर में वो घुस गए हैं, और पूरी तरह से मूवी के अंदर आप देखेंगे थ्रू आउट द मूवी, मतलब कि एक भी जगह मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कहीं भी मूवी में छोटा सा भी फ्लॉ था। बहुत ही अच्छे से एक एक डिटेलिंग का ध्यान रखा गया है। इवन उनकी जो मंगेतर है, उनके जो वाइफ है इंदु, उसका रोल जो साईं पल्लवी जी ने करके दिया है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया रोल करके दिया है। कहीं भी फ्लॉ आपको फील नहीं होगा। थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ। मेजर मुकुंद वरदराजन जो चेन्नई के निवासी थे, तमिल अपने तमिल भाई थे, साउथ के बंदे थे, लेकिन क्या शेर दिल आदमी है, क्या उनका जो जज्बा है, क्या पर्सनालिटी है, आप मूवी देख लीजिए। उनका जो सर्विस पीरियड है दोस्त, यहाँ पर 2006 से सिर्फ 2014 का है, मतलब सिर्फ 8 साल का सर्विस। उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया क्योंकि बचपन से ही उनका सपना था। वो एक कोई बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आते थे, लेकिन बचपन से ही इस बच्चे ने एक सपना देखा कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। जब उसने परेड देखी तब उसको फील हुआ कि आर्मी के अंदर जो प्राउड है, आर्मी की जो सेवा करनी है, देश की सेवा करने में जो गर्व है, जो देश की सेवा करने के बाद में जो फीलिंग है भाई, उसके सामने दुनिया की कोई भी फीलिंग धूल के बराबर है। तो दोस्तों उस बच्चे ने उसी दिन डिसाइड कर लिया, मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा, मैं अपने देश की सेवा करूंगा, मैं अपने वतन की सेवा करूंगा, और वो लग जाता है तैयारी में। और वो दिन भी आता है जब वो सिलेक्ट हो जाता है, और तभी से वो सोच लेता है कि मैं देश के दुश्मनों को मार गिराऊंगा, इनका सफाया कर दूंगा। और अपनी सर्विस से ही उसने बैक टू बैक ये काम किया। यही चीज़ें यहाँ मूवी में भी आपको दिखाई जाती हैं। अगर हम मेजर मुकुंद वरदराजन की जो कैरियर है उसकी बात करें, तो उन्हें 18 मार्च 2006 में इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिला। उसके बाद 18 अक्टूबर 2008 में ही आप देखिए 2 साल में एक कैप्टन की तरफ प्रमोशन मिल गया, और उसके बाद 4 सालों के अंदर ही मेजर के रोल में प्रमोशन मिला 18 अक्टूबर 2012 को। और उसके बाद में वो दिन भी आता है जब मेजर वरदराजन अपनी आखिरी सांस लेते हैं दुश्मनों से लड़ते हुए। वो दिन था 25 अप्रैल 2014 का दिन। तो दोस्तों इसी जो मेजर वरदराजन की पूरी लाइफ है उसके बेस्ड मूवी दिखाई गई है। उनका जो पोस्टिंग हुआ था वो जम्मू कश्मीर के उस सेंसिटिव एरिया में हुआ था, जहां पर आए दिन ये जो दंगाई हैं, ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये लोग जो देश के अंदर गंदगी फैलाना चाहते हैं, उनके साथ मुठभेड़ होती रहती है, कई हमारे सैनिक भी मारे जाते हैं। तो फर्स्ट डे से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इंडियन आर्मी कभी भी छुपके नहीं मारेगी, सबको सामने मारेगी, फेस दिखा के मारेगी। वही वो ट्रेन करते हुए भी दिखाई देते हैं। और उसके बाद में जो ताबड़तोड़ उन्होंने इन देश के दुश्मनों को मार गिराया, वो चीज़ें यहाँ पर हमको दिखाई जाती हैं। उनके जो प्लान्स, एग्जीक्यूशन, इवन किस तरह की सोच रखते थे, वो डिटेलिंग भी यहाँ पर दिखाई गई है। वो किस तरह से अपने जो आर्मी पर्सन्स हैं, चाहे फिर वो कोई भी धर्म का हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक इंसान की तरह ट्रीट करते थे, और सभी के साथ किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह की प्रेम भावना होनी चाहिए, जिसकी वजह से जब वो गए पूरा देश उनके साथ रोया, पूरा देश उनके साथ जुड़ गया था। तो ये चीज़ें वहाँ पर मूवी में हमको देखने को मिलती है, ये सच्चाई हमको देखने को मिलती है। इवन अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनी मंगेतर, अपनी वाइफ के साथ किस तरह से रहना चाहिए, अपने बच्चे के साथ किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से उनका ख्याल रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर मुकुंद वरदराजन दिखाई। इवन अपने मॉम डैड के लिए भी कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी यहाँ पर आपको वहाँ पर मतलब इस मूवी में आपको अच्छे से देखने को मिलता है। बात करें मूवी के फर्स्ट और सेकंड हाफ की, तो दोनों ही बहुत अच्छे लगे। फर्स्ट हाफ का जो बिल्डअप था वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिखाया गया, मेजर वरदराजन का जो लाइफ है, इनिशियल लाइफ, वो दिखाया गया। सेकंड हाफ में जो मेजर मिलिटेंट एक्ट, जो उन्होंने ऑपरेशंस किए, वो सारे बताए गए। 2 से 3 ऑपरेशंस के बारे में यहाँ पर उनके बताया गया है। उन्होंने जिस तरह से जो हाई कमांडर्स हैं, जैसे आई थिंक जैसे मोहम्मद, ये कुछ जो टेररिस्ट ग्रुप है, उनके जो हाई कमांडर्स हैं, उनको किस तरह से उन्होंने मार गिराया था, वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पर हमको दिखाए जाते हैं। और लास्ट जो ऑपरेशन हुआ था
जिसमें उनको अफगान वानी को मार गिराना था, उस ऑपरेशन में भाई किस तरह से हमारे जो चेन्नई के शेर ने बिल्डिंग में घुस के उसको मारा, अपनी जान की परवाह नहीं की, इवन लास्ट मोमेंट तक, लास्ट सांस तक उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें 3 गोलियां लग चुकी हैं। इवन वो खड़े थे, उसके बाद में जब अनकॉन्शस हुए तब पता लगा कि हाँ इन्हें 3 गोलियां लगी हैं। तो मतलब आप सोच सकते हो कि किस तरह की ब्रेवरी उनके माइंड में रही होगी, अपने देश के लिए उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया और लास्ट आखिरकार जाके हमारे देश की सरकार ने उन्हें भारत का सर्वोच्च जो अवार्ड है अशोक चक्र से सम्मानित किया। अब तक मैं आपको बता दूं, हमारे देश में ओनली 98 लोगों को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आप सोच सकते हो भारत को आज़ाद हुए आज कितने साल हो गए, आई थिंक 75 के ऊपर जा चुके हैं, फिर भी अब तक सिर्फ 98 लोगों को अशोक चक्र मिला है। करोड़ों लोग आते हैं दोस्तों, करोड़ों लोग जाते हैं, लेकिन देश पे जान लुटाने वाले करोड़ों में से कोई एक होता है, लाखों में से कोई एक होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को हमें ज़रूर से याद करना चाहिए। ऐसे लोगों की जीवनी पे अगर कोई मूवी बनता है, अगर ऐसे लोगों की जीवनी पे आपको कहीं जानने को मिलता है दोस्तों, उस मौके को मत छोड़ना, उस मौके को ज़रूर से देखना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, बहुत कुछ बता के जाती हैं। हम तो दोस्तों देखिए देश के अंदर रहते हैं, बॉर्डर्स के अंदर रहते हैं, दरवाजे के पीछे रहते हैं भाई, दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है, हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके लिए वो क्या दांव पे लगा रहा है, सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और रियलिटी बता देता हूँ दुनिया की, आपको दिखाया वही जाएगा, सुनाया वही जाएगा, आपको बताया वही जाएगा जिसमें सामने वाले का फ़ायदा होगा। जिस चीज़ में आपका फ़ायदा होगा ना, ना तो वो कभी आपको सुनाया जाएगा, ना दिखाया जाएगा, ना बताया जाएगा। जिस चीज़ में आपका फ़ायदा होगा, जिस चीज़ से आप कुछ सीखेंगे, जिस चीज़ से आप कुछ बनेंगे, वो चीज़ आपको खुद ही जाके ढूंढनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये वही चीज़ है, खुद ही जाइए, इस मूवी को देखिए, इन्जॉय कीजिए, इससे कुछ सीखिए, मेजर मुकुंद वरदराजन की जीवनी को याद कीजिए, उनसे इंस्पायर होइए और शेर बन के निकलिए दोस्तों। ऐसे जीने का कोई मतलब नहीं, करना है तो कुछ बड़ा करिए, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है जीने का भी। मैं आपको बता देता हूँ, जीने का भी कोई मतलब नहीं है अगर आप देश में रह के या अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं करते जिससे आपको कोई याद करे, तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इंस्पायर होइए, ऐसे हीरोज़ को याद कीजिए। ये जो फिल्मी सितारे हैं ना दोस्तों, ये रील के हीरो हैं, इनको अगर बॉर्डर पे भी खड़ा कर दो ना दोस्तों, तो इनके हाथ पैर फूल जाएंगे। ये पिक्चर में तो बहुत कूदते हैं, वहाँ पे फूल जाएंगे। रियल बेवरी तो उसी की है दोस्तों, जो बंदूक के सामने, गोली के सामने भी डट के खड़ा रहता है, सीना तान के गोली के सामने खड़ा रहता है अपने देश के लिए और अपनी जान भी नौछावर कर देता है, वो है रियल हीरो। सत सत नमन है मेजर मुकुंद वरदराजन को, ऐसे शेरों को, हमारे हिंदुस्तान के शेरों को जो हमारे देश के लिए अपनी जान नौछावर कर देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।